सांभर झील पर प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। झील के नावा, जाबदीनगर, मनोहरपुरा और गुड़ासाल्ट क्षेत्र में कई प्रजातियों के पक्षी मरे हुए मिले हैं, साथ ही कई पक्षी घायल अवस्था में भी पाए गए। वन्य विभाग की टीम ने घायल पक्षियों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए काचरोदा नर्सरी भिजवाया है। इधर सांभर झील पर पक्षियों की मौत को लेकर एडीएम कुंतल बिश्नोई, उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी, जिला वन संरक्षक केतन कुमार सहित कई अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया, साथ ही काचरोदा नर्सरी में उपचाराधीन पक्षियों की जानकारी ली। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में सांभर झील में बोटुलिज्म रिपीटेशन ना हो इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया था। इसमें हमने एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के ये किया है कि टीम हम डे बाय डे टीम गठित करके और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है हम लेंगे, उसमें जो भी डेड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या जो घायल हैं उसको उनके अनुसार ट्रीट किया जाएगा। अगर वो डेड हैं तो उनको संबंधित विभाग या वन विभाग को सौंप के और उनका डिस्पोजल की कार्रवाई की जाएगी।